गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 7 पौधों को जानिए। इसमें अपने पौधों के बारे में बात करेंगे। तो पौधे, कुछ पौधे क्या होते हैं कि जो आपसे कम लंबे होते हैं, कुछ की लंबाई आपके बराबर होती है तथा कुछ आपसे बहुत अधिक लंबे होते हैं। तो इनको इनकी लंबाई के आधार पर क्या होता है, 3 भागों में बांटा गया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। हरे व कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं, ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। और कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ व गहरे होते हैं। इनकी शाखाएँ भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती, इन्हें वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। इस तरह के पौधे तथा ये क्या होते हैं, किसी अन्य पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। इस पौधे अरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से क्या होते हैं, अलग तरह के होते हैं। अब आगे बात आती है इनके, ये तो तने के बारे में बात थी, अब बात आती है इनकी पत्ती के बारे में। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णव्रत कहलाती है। ये वाला जो हिस्सा होता है जिससे ये तने से जुड़ी होती है पर्णव्रत होती है, और इसके पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। इस भाग पर क्या होता है कि संरचनाएँ बनी होती है जिनको शिरा कहते हैं। जो बीच में सबसे मोटी वाली संरचना होती है उसको मध्य शिरा कहते हैं, और पत्तियों की शिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल की तरह फैला होता है, तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। घास की पत्तियों में यह शिराएँ एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास भी कहते हैं। अब उसके बाद आगे उन्होंने क्रियाकलाप पत्ती से रिलेटेड बताया गया। उसमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी में वो एक गमले में पौधे को लेते हैं। उस पौधे की पत्ती के ऊपर क्या करते हैं कि पॉलीथीन को धागे की सहायता से बांध देते हैं। कुछ घंटों के बाद वो देखते हैं कि उस पॉलीथीन के अंदर वाले भाग पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ये जल कहाँ से आया, तो क्या होता है कि यह बूंदें पत्ती के जलवाष्प के रूप में निकली। यह क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ जिसको पर्ण हरित कहते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, एक पदार्थ की वस्तु में अपना भोजन बनाती हैं। यह प्रक्रिया में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियाँ जब अपना भोजन स्वयं बनाती हैं सूर्य के प्रकाश और पर्ण हरित नाम के कारक में, जिनमें उनको जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अत्यंत पौधे के विभिन्न भागों के मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। थैंक यू।